अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शब बरात के लिए हलवा, स्पेशल हलवा। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप सूजी और 2 ही कप मैंने लिए हैं चीनी के, 1 कप लिया है मैंने घी का, थोड़ा सा लिया है मैंने कलरफुल येलो, 1/2 कप लिया है मैंने सूखे दूध का, 1 कप लिया है मैंने नारियल का, कद्दूकश कर लिया था, और थोड़े से लिए हैं मैंने अखरोट। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मैंने अखरोट लिया है। आप बादाम भी ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे हम घी को। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सूजी को। घी में सूजी को हम भून लेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाए इतना हम इसको भूनेंगे। और आपने छोड़ना नहीं, हिलाते जाना है इसको घी में। हमारी सूजी का कलर चेंज हो गया, अब हम बनाएंगे अपनी चाशनी को। 2 कप लिया है मैंने पानी का, अब इसमें चीनी डाल दूंगी मैं। गाढ़ी हम चाशनी बना लेंगे इसकी। चाशनी हमारी बन चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। अब इसमें डालूंगी मैं खुश्क दूध। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डालें नारियल, साथ साथ आपने इसकी भुनाई करते जाना है। नारियल का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नारियल को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी चाशनी। चाशनी हमने सारी डाल दी इसमें, और आपने साथ इसको हिलाते जाना है। हल्की आंच पे इसकी हम भुनाई करेंगे, जो हमारा कच्चापन इसका रह गया वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी, उससे हमारा हलवा सॉफ्ट हो जाएगा। बस 5 मिनट तक हम इसको फिर भूनेंगे, और इसके बाद हमारा हलवा तैयार है। इतना भूनेंगे कि चीनी बीच में मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारा हलवा तैयार है। गार्निश के लिए हम नारियल डालेंगे ऊपर थोड़ा सा।
उसके बाद हम खसखास डालेंगे। उसके बाद हम तवे पे अखरोट को भून लेंगे, थोड़ा सा इनको सेकेंगे। बस इनको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। इनको ऐसे हम हाथ में लेके मसल के क्रश करेंगे, ऐसे ही हम इनको डालेंगे ऊपर। इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है तवे पे भूनकर आप करें तो। हमारा हलवा तैयार है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।